व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है रबर। जी हाँ, रबर। वेल गाइस, ये मूवी एक टायर पर बेस्ड है जो कि काफ़ी सारे लोगों का खून करता है। जी हाँ, एक टायर। आप सोच रहे होंगे कि एक मामूली सा टायर ऐसे कैसे कर सकता है, तो इसके लिए आपको ये पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक अकाउंटेंट दिखाया जाता है जिसके हाथ में काफ़ी सारे दूरबीन होते हैं, और तभी वहाँ एक पुलिस की कार आती है जिसमें से चैड नाम का कॉप बाहर निकलता है। वो बोलता है कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती है वो बिना किसी वजह की होती है, इसलिए आप बिना अपना दिमाग लगाए इस मूवी का मज़ा लीजिए। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये मूवी आपको कैसी देखनी है। वेल, इसके बाद हम वहाँ काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं। उन्हें अकाउंटेंट वो दूरबीन देता है और फिर सब लोग उस दूरबीन से कहीं देखने लग जाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक कबाल खाने को देखते हैं जहाँ पे हमें काफ़ी मामूली सा टायर दिखाया जाता है, लेकिन तभी उस टायर को देखने से ऐसा लगता है जैसे उसमें जान आ गई हो। वो अपने आप हिलने लगता है और अपने ऊपर से मिट्टी हटा के रोल होने लगता है। काफ़ी मस्ती से वो आगे बढ़ने लगता है और थोड़ी दूर पे उसके सामने एक प्लास्टिक की बॉटल आती है जिसे वो क्रश कर देता है और फिर रोल होने लगता है। इसके बाद उसके सामने एक ग्लास की बॉटल आती है, लेकिन अगर वो उसके ऊपर चढ़ेगा तो शायद वो पंचर हो जाएगा, उसे दर्द होगा। इसलिए यहाँ अब हम उस टायर की शक्तियाँ देखते हैं। वो काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट होता है और वो ग्लास की बॉटल बीच में से अलग हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई मामूली टायर नहीं हो सकता है, आइला ये तो जादू हो गया। वेल, वहीं दूसरी तरफ वहाँ सारे लोग अभी भी इस टायर पर नज़र गड़ाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि यहाँ सर्कस चल रहा हो। वेल, अब फिर से इस टायर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक बार और देखते हैं कि टायर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अब उसके सामने एक स्टील की कैन आती है जिसे वो बीच में से अलग कर देता है। फिर वहाँ से बड़ी मस्ती से रोल होने लगता है और अब सूरज ढल जाता है दोस्तों, रात हो जाती है, इसलिए वो टायर एक पेड़ के नीचे जाके रुक जाता है और आराम करते करते सो जाता है। बेचारा थक गया होगा ना। अब अगली सुबह होती है और वो टायर फिर से अपने सफर पे निकल पड़ता है। लेकिन वहीं हम अकाउंटेंट को देखते हैं जो कि उन लोगों के पास आता है जो कि सो रहे होते हैं। उनके पैसे और कीमती चीज़ें वो चुरा लेता है और फिर उन्हें जगा देता है, लेकिन शायद उन लोगों को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर से उसी काम में लग जाते हैं और टायर को निहारने लग जाते हैं। बड़े ही अजीब लोग हैं। अब उस टायर को काफ़ी प्यास लगती है, इसलिए वो एक पानी के घड़े के पास रुकता है और वहाँ जाके खुद को गीला करता है। तभी उसके सामने एक छोटा सा खरगोश आ जाता है जो शायद तो टायर को पसंद नहीं होता है, इसलिए वो अपनी उसी पावर का इस्तेमाल करता है और उस खरगोश के पर खच्चे उड़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, वो वहाँ से चल पड़ता है और थोड़ी दूर पे वो एक हाईवे पे जाके रुक जाता है। और अब इस टायर की भूख बढ़ती जा रही थी, वो किसी इंसान का शिकार बनाना चाहता था। तभी वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कार से आ रही होती है, और उसे देख के टायर काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट होता है जिससे कि लड़की का कार का इंजन ख़राब हो जाता है और वहीं वो रुक जाती है। अब टायर उसके पास जाने लगता है, लेकिन शायद इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। पीछे से एक आदमी एक मिनी ट्रक लेके आता है और उस टायर को उड़ा देता है, जिससे वो टायर उस लड़की की कार पे कंट्रोल खो देता है और जिससे कि वो फिर से स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद वो टायर उस ट्रक से टकरा कर काफ़ी दूर जाके गिरता है और उससे काफ़ी चोट भी आती है। तभी उसके सामने एक कौवा दिखता है जिसे देख के वो काफ़ी गुस्से में वाइब्रेट होता है और उसके भी पड़कच्छे उड़ जाते हैं। वेल, इसके बाद हम उसी ट्रक वाले आदमी को देखते हैं जिसने टायर को टक्कर मारी थी। वो पेट्रोल पंप पे रुकता है और वहाँ अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है, पर तभी हम देखते हैं कि टायर वहाँ भी आ चुका है और वो शायद अब अपनी उस टक्कर का बदला लेगा। वो आदमी उस टायर को देख लेता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है, पर टायर उसे देख के काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट होता है और देखते ही देखते उस आदमी का सर का हलवा बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। और ये होती है टायर की असली ताकत। वो अपनी टक्कर का बदला ले लेता है और अब उस चीज़ का पीछे जाएगा जिसकी वजह से उसकी ये टक्कर हुई थी, मतलब अब उस लाल गाड़ी वाली लड़की के पीछे जाता है। वो एक होटल के बाहर उस गाड़ी को खड़ी देखकर समझ जाता है कि ये यहीं पे रुकी है। वो उसके रूम में बाहर जाता है और उसके दरवाज़ा खोलकर नहाते हुए उसे देखता है। वेल गाइज, ये टायर ज़रूर जॉनी सिंस का होगा। और गाइज, ये सारी चीज़ें वो दूरबीन वाले लोग भी देख रहे थे, मतलब जो भी टायर देखेगा ये लोग भी उसे देख सकते हैं, मतलब सब के सब जॉनी सिंस के भाई हैं। वेल, अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो लड़की अपनी मॉम को फ़ोन करके कहती है कि आज रात वो इसी होटल में रुकेगी, इसलिए वो टायर भी यहीं रुक जाता है। वो एक रूम में जाता है और जहाँ टीवी ऑन करके उसे देखने लग जाता है। और अब अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कि वो टायर अभी भी टीवी देख रहा होता है, मतलब उसने पूरे 12 घंटे टीवी देखी है। सो गाइज, इसके बाद हमारी नज़र उन लोगों पे जाती है जो काफ़ी दिनों से उस टायर को देख रहे थे और तब से उन्होंने कुछ भी खाया नहीं होता है, वो काफ़ी भूखे होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम अकाउंटेंट को देखते हैं जो रेडी हो जाता है, और इसके कमरे में हम एक ऑस्ट्रिच भी देखते हैं। तभी अकाउंटेंट को एक फ़ोन आता है जिसमें वो बोलता है कि सर, आप परेशान नहीं होइए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी साइकिल से उन लोगों के पास जाता है और वहाँ उन लोगों को वो ऑस्ट्रिच दे देता है खाने के लिए। वो लोग काफ़ी भूखे होते हैं और इसलिए काफ़ी अजीब तरह से उस जानवर की तरह उसे खाने लगते हैं।
लेकिन वहाँ एक व्हीलचेयर पर बैठा आदमी ऑस्ट्रिच को नहीं खाता, वो बस दूरबीन से उसे देखे जा रहा था। वेल, अब उस होटल को देखते हैं जहाँ पे वो टायर रुका हुआ था। उसके रूम के बाहर एक सर्विस गर्ल आती है और रूम नॉक करती है, लेकिन कोई गेट नहीं खोलता, इसलिए वो ऐसे ही अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाने पे बेड पे काफी सारे टायर के निशान मिलते हैं और उसे शावर की भी आवाज़ आ रही होती है। उसे लगता है कि रूम का मालिक शायद शावर ले रहा है, इसलिए वो उसे आवाज़ लगाती है कि सर मैं थोड़ी देर में आऊँ अगर आप बिजी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। और जब वो लड़की शार के पर्दा हटाती है तो वो उसे वहाँ वही टायर नहाते हुए दिखता है, जिसे गुस्से में वो उस टायर को उठाकर बाहर फेंक देती है क्योंकि उसने सारा रूम गंदा कर दिया था। अब इस चीज़ से दोस्तों टायर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो दोबारा से उठता है और इसी रूम के अंदर जाकर उस रूम अटेंडेंट को मार देता है और फिर से टीवी ऑन करके देखने लग जाता है। अब यहाँ उसने उस रूम के अंदर जाते देख उस होटल के मालिक का बेटा उस टायर को देख लेता है और वो अपने डैड को जाकर इस बारे में बताता है कि एक टायर जो कि जिंदा है वो चल रहा है, लेकिन उसके डैड उसकी बातों पे यकीन नहीं करते और वहां से उसे भगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जो उस टायर को दूरबीन से देख रहे होते हैं। उन सब लोगों के पेट में दर्द होने लग जाती है, जिसे देख के वो व्हीलचेयर वाला आदमी उन्हें बोलता है कि तुम लोगों को जहर दिया गया है, और इसके बाद वो सब के सब वहीं मर जाते हैं। लेकिन वो व्हीलचेयर वाला आदमी बच जाता है क्योंकि उसने वो ऑस्ट्रिच नहीं खाया था जिसमें जहर मिला हुआ था। अब नेक्स्ट सीन में हम होटल के बाहर काफ़ी सारी पुलिस को देखते हैं जो कि उस रूम अटेंडेंट की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। यहाँ हमें वही ऑफिसर दिखता है जो कि मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। वो अपने साथियों से कहता है कि शहर में काफ़ी सारे खून हो रहे हैं और हमें इस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। ये बोलते हुए उसकी गाड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिसे सुन के वो सबसे कहता है कि अब बस बहुत हुआ नाटक, अब ये खेल यहीं ख़त्म कर दो क्योंकि जो भी हमें देख रहे हैं वो सारे मारे गए हैं, ये बस एक नाटक था। ये सुन के उसके साथी काफ़ी शॉक होते हैं क्योंकि वो लड़की जान से मारी गई थी, लेकिन चैट को अभी भी वो एक खेल का हिस्सा लग रहा था। वो सबसे कहता है कि तुम लोग मुझे गोली मार कर देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो सारे उस पर गोली मारते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वो सारी गोलियाँ नकली होती है। लेकिन तभी उसके पास वो अकाउंटेंट आता है और उसे कहता है कि सर जो हमने जहर वाला ऑस्ट्रिच उन लोगों को दिया था उसमें से एक व्हीलचेयर वाला आदमी उसने नहीं खाया और वो अभी भी जिंदा है। तभी चैट एक बहाना मार के वहाँ से होटल के मालिक के पास जाके बैठ जाता है और उससे थोड़ी बातें करना चालू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो टायर आ जाता है और वो अपनी पावर से उस होटल के मालिक का सर भी उड़ा देता है, जिसे चैट देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये सब सच है, ये कोई नाटक नहीं है। वो भागते हुए अपने साथियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि वही टायर है। वो और टायरों की तरह एक मामूली टायर है लेकिन उसमें कुछ शक्तियाँ हैं, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा नहीं तो वो बहुत सारे लोगों को मार देगा। अब यहीं पर दोस्तों होटल के मालिक का बेटा आता है जो उन्हें बताता है कि टायर उस साइड गया है, तो सभी पुलिस वाले फौरन उस लड़की की बात पर यकीन कर लेते हैं और रास्ते पर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अकाउंटेंट उस व्हीलचेयर वाले आदमी के पास जाता है एक खाने का सामान लेके उसे खिलाने के लिए, लेकिन वो आदमी उसे खाने से मना कर देता है और कहता है कि देखो वो अभी भी आगे बढ़ रहा है, असल में वो उस टायर की बात कर रहा होता है। वो अपनी दूरबीन उस अकाउंटेंट को देता है और उस टायर को देखने के लिए कहता है। वो देखता है कि वो टायर अब होटल से भागते हुए हाईवे की तरफ आ चुका है और उसके पीछे एक पुलिस की कार भी है। वो कार को देख के रुक जाता है और फिर हम एक बार और उसी वाइब्रेशन की आवाज़ सुनते हैं। फिर उस पुलिस कार में बैठे एक ऑफिसर का सर फट के फ्लावर हो जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से अकाउंटेंट को देखते हैं जो उसी का लाया हुआ खाना खाने लगता है, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होने लगती है और वो वहीं मारा जाता है। मतलब दोस्तों उस खाने में भी जहर होता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अकाउंटेंट को कैसे पता नहीं चला कि उस खाने में जहर है। वेल, वो व्हीलचेयर वाला आदमी को यह बात पता होती है इसलिए उसने उस खाने को नहीं खाया था। अब यहाँ पर दोस्तों वो टायर अपनी मस्ती करते हुए एक जगह पहुँचता है और उसे वहाँ कुछ लोग दिखते हैं जो फटे पुराने टायर को जला रहे होते हैं और ये चीज़ शायद उस टायर को पसंद नहीं आती। फिर वो वाइब्रेट होता है और अब उनके साथ क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ शायद वो भी फ्लावर ही बन गए होंगे। वेल, कुछ दिन बाद हमें पूरे शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शॉपिंग मॉल्स, रोड, हर जगह पर बस लोगों की लाशें होती है, सर फटी लाशें होती हैं, और सब चीज़ों को देख के उस शहर की पुलिस उस टायर को ढूंढने में तेज़ी लाती है। और फिर एक दिन फाइनली उन्हें वो टायर मिल जाता है जो घर में बड़े आराम से टीवी देख रहा होता है। उसके बाहर हम इंस्पेक्टर शेड और वो होटल वाली लड़की एक पुलिस वैन में होते हैं। उन लोगों ने दरअसल एक ट्रैप बिछाया होता है उस टायर को उस रूम से बाहर लाने के लिए। उन्होंने उस रूम के बाहर एक डमी रखा हुआ होता है जिसमें एक स्पीकर और एक बॉम्ब भी होता है। उस स्पीकर में होटल वाली लड़की की आवाज़ आ रही होती है जो कि उस वैन में बैठकर बोल रही थी ताकि वो टायर को बाहर ला सके, और थोड़ी देर में वो बाहर आ भी जाता है। लेकिन तभी वहाँ व्हीलचेयर वाला आदमी आ जाता है जो काफ़ी तेज़ी से इंस्पेक्टर चेट से बोलता है कि क्या यार तुम लोगों ने एक टायर को पकड़ नहीं सकते।
इतना आसान काम है ये। और ये दोस्तों व्हीलचेयर वाली बात वो टायर सुन लेता है, वो फौरन दोबारा उस कमरे में चला जाता है। लेकिन अब चैट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंदूक लेके उस रूम में चला जाता है। और जब वो बाहर आता है तो वो फटे हुए टायर को लेके बाहर आता है, मतलब ऑफिसर ने गोली से उस टायर को उड़ा दिया था। अब वो टायर उस व्हीलचेयर वाले आदमी को वो दे देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस रूम से एक साइकिल निकलती है, जिसे देख के वो व्हीलचेयर वाला आदमी कहता है, देखो वो अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, वो दूसरे भेष में आ गया है। तभी वो साइकिल दोस्तों वाइब्रेट होती है और व्हीलचेयर वाले आदमी का चीथड़े उड़ जाते हैं। इस बात समय पता चलता है कि साइकिल की ताकत और ज्यादा हो गई है। अब वो साइकिल वहां से हाईवे की तरफ बढ़ने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो टायर अपनी पूरी आर्मी बना रहा था। सड़क के किनारे जितने भी बेकार टायर पड़े हुए थे वो उनमें जान डाल देता था और उन्हें भी अपनी तरह जिंदा कर देता था। ऐसे ही करते करते वो काफी सारे टायर की आर्मी बना लेता है और न्यूयॉर्क शहर में एंटर हो जाता है। वेल गाइज, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये टायर के पास असल में ये सब पावर आई कहां से, तो ये सब कैसे हो रहा है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इस टायर का नाम रॉबर्ट है। ये नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि इंस्पेक्टर चैड और अकाउंटेंट ने कुछ सालों पहले आदमी को मार डाला था और एक टायर से उसका दम घोट दिया था। उसका नाम रॉबर्ट था, इसलिए उस टायर में रॉबर्ट की सोल आ गई थी और उसने अपना बदला लिया। अब वो पूरे शहर को मार डालेगा और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल, काफी अजीब कहानी थी ये मूवी दोस्तों, थ्रिलर से ज्यादा कॉमेडी लगती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।